हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आनंद, एक बार फिर से आपका अपने परिवार बूस्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के अंदर अभी हम 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इस 7 क्लास के अंदर हमने एक एक टाइप को बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेन किया था। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे SSC, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, हमने हर टाइप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में और शॉर्ट मेथड के साथ में भी हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। और साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में आज हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमसे, यानी कि टाइम एंड वर्क से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन SSC के अंदर या फिर बहुत अच्छे लेवल पर जो पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलकर के किसी भी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर के 10 दिनों तक कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए जो है वो इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि ए और बी मिलकर के किसी भी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी कि ए प्लस बी जो है वो किसी भी कार्य को 30 दिन के अंदर समाप्त करते हैं, यानी कि ए और बी जो है वो किसी भी कार्य को 30 दिनों के अंदर समाप्त करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि ए और बी एक दिन के अंदर एक यूनिट काम करते हैं, यानी कि आपने मान लिया कि अगर ए और बी जो हैं वो मिलकर के एक दिन में एक यूनिट काम करते हैं, तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, अगर आपको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू इफिशियंसी के साथ में आप डे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। यानी कि अगर ए और बी जो है वो एक दिन में एक यूनिट काम करते हैं और 30 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल कितना काम करेंगे, वो 30 यूनिट काम करेंगे। यानी कि टोटल जो है वो 30 दिन में कितना काम करेंगे, 30 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया। अब देखिए, अगर ए और बी जो हैं वो मिलकर के 10 दिनों तक कार्य करें, तो कितना कार्य कर देंगे। मान लीजिए, जैसे हमने माना है कि ए और बी की जो इफिशियंसी है वो एक की है, यानी कि ए और बी एक दिन में एक यूनिट काम करते हैं, तो ए प्लस बी जो है वो 10 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे, आपका 10 यूनिट। यानी कि A प्लस बी जो है वो 10 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे, 10 यूनिट काम कर देंगे। अब देखिए, 30 यूनिट काम था और 30 यूनिट काम में से हमारा 10 यूनिट काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी कि 30 यूनिट में से 10 यूनिट काम अगर ख़त्म हो गया, तो कितना काम रह गया आपके पास, 20 यूनिट काम रह गया। कितना काम रह गया आपके पास, 20 यूनिट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, यानी कि अगर हमसे कहा जाता है, इनकी यहाँ पर टाइम की बात की जाती है, अगर बी का, देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया कि मान लीजिए इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति सी भी इन्होंने शामिल कर लिया, और सी के साथ मिलकर के ये कितने दिनों में इस काम को ख़त्म कर देते हैं, 10 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमसे कहा जाता है कि बी का 3 दिन का काम जो है वो सी के 2 दिन के काम के बराबर है, यानी कि बी जो है किसी काम को अगर 3 दिन में कर पाएगा, तो सी जो है उसी काम को 2 दिन में कर पाएगा। मतलब बी मान लीजिए अगर जितना काम 3 दिन में करेगा, उतना ही काम सी क्या करेगा, 2 दिन में कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बी का अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, टाइम, यानी कि ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, मैं आपको बताया था कि टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है। आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि टाइम जो होता है, अगर टाइम का हमको रेशियो दे रखा है और अगर हमें इफिशियंसी का रेशियो निकालना है, तो इफिशियंसी का रेशियो जो होता है वो इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर इफिशियंसी की बात करें, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, यानी कि बी का 2 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास 20 यूनिट काम बचा है, मतलब कि अगर ए प्लस बी इस काम को करते, तो वो कितने दिनों में कर पाते, 20 दिनों में कर पाते, क्योंकि उनकी इफिशियंसी क्या है, एक यूनिट पर डे की है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर ए प्लस बी के साथ एक तीसरा व्यक्ति सी भी आ जाए, तो ये इस काम को 10 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। अगर ए प्लस बी के साथ अगर सी भी आ जाता है, तो ये इस काम को 10 दिनों के अंदर ख़त्म कर देते हैं। अगर इस काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट पर डे की इफ़िशियंसी आ जाएगी। कितनी इफ़िशियंसी आ जाएगी आपकी, 2 यूनिट पर डे की इफ़िशियंसी आ जाएगी।
क्योंकि 20 यूनिट काम है और 10 दिन में खत्म करना है। अगर आप 2 यूनिट पर डे करेंगे तभी तो 10 दिन के अंदर खत्म कर पाएंगे ना। अब देखिए 2 यूनिट काम जो है वो कौन कौन कर रहा है, 2 यूनिट काम आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कर रहे हैं 2 यूनिट काम। अब देखिए आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो आपने कितनी मानी है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो आप मान चुके हैं कितनी है, एक है। ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी एक है और तीनों की अगर 2 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब देखिए मेरे जो मानने के अकॉर्डिंग तो सी की एफिशिएंसी एक है, लेकिन यहाँ पर सी की एफिशिएंसी क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। मैंने जो माना है उसके अकॉर्डिंग हमारी इफिशियंसी क्या आ रही, 1 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इफिशियंसी, लेकिन हमको यहाँ पर 3 दे रखी है, तो अगर इस 3 को 1 बनाना है तो इस 3 को 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, 3 से भाग कर दूंगा तो 1 बन जाएगा। अगर इसको 3 से भाग किया तो इसको भी 3 से भाग कर दूंगा। यानी कि सी की इफिशियंसी अगर 3/3 यानी 1 है तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। यहाँ पर जो इफिशियंसी का रेशियो दे रखा था इसका मेन मकसद आपका था कि बी की आपको क्या निकालनी थी, इफिशियंसी निकालनी थी, ठीक है। अब देखिए बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2/3 आ गई। अब मान लीजिए ए प्लस बी की इफिशियंसी तो आप कितना माने हैं, 1 माने हैं, और बी की इफिशियंसी क्या है, 2/3 है। अगर बी की 2/3 है तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 - 2/3, यानी कि ए की इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 1/3, यानी कि 1 की 1/3 है, इसकी 2/3 है और इसकी क्या है, 1 है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों, सॉरी ए जो है वो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब देखिए टोटल वर्क कितना है आपका, 30 यूनिट। टोटल वर्क क्या है, 30 यूनिट है, और मतलब ए जो है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1/3 की है। मतलब टोटल वर्क तो आपका 30 यूनिट है लेकिन ए की इफिशियंसी कितनी है, 1/3 की है। तो आप अगर मान लीजिए टोटल वर्क को आप 1/3 से भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल वर्क कितना, एफिशिएंसी इतनी है, तो आपको टाइम निकलना है, जब आप भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 दिन। यानी कि ए को अकेले उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, 90 दिन का टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने माना था कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी थी, 1 थी। अगर मैंने ए प्लस बी की इफिशियंसी 1 मानी थी तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, यहाँ पर 90 दिन आया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी की इफिशियंसी अगर 1 मानता हूँ तो हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। और हम आपको शुरू में बताए थे कि आप किसी भी मान को इस प्रकार से मानिएगा कि आपका फ्रैक्शन ना बन पाए। तो देखिए अब हम आप यहाँ पर आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 3 मान लिया, अभी तक तो आप 1 माने थे, लेकिन अब अगर आप यहाँ से इसको हटाइएगा और फिर आप a प्लस बी को 3 मान के सॉल्व करिएगा, तब भी क्वेश्चन का आंसर तो आपका 90 ही आएगा, लेकिन वहाँ पर आपको फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन होने पर क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा आपको डिफिकल्ट यानी कि कठिनाई होती है। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, इस प्रकार मतलब a प्लस बी का मान आप ऐसा मानिएगा जो कि आपका यहाँ पर फ्रैक्शन ना बन पाए, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे मानता हूँ a प्लस बी को। देखिए अभी तक आप माने थे कि a प्लस बी क्या है, 1 है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि a प्लस बी जो है वो मिलकर के 1 दिन में 3 यूनिट काम करें। अभी तक तो आपने माना था कि a प्लस बी जो है वो मिलकर के 1 यूनिट काम करते हैं, लेकिन अगर हमने मान लिया कि a प्लस बी जो है वो मिलकर के 3 यूनिट काम करते हैं तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 का मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 का 30 से, तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 90 यूनिट आ जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 90 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि ए प्लस बी जो है वो मिलकर के 10 दिनों तक कार्य करते हैं। अगर भाई ए प्लस बी मिलकर के 10 दिनों तक कार्य करेंगे और 1 दिन में ये 3 यूनिट काम करेंगे तो हमारा कितना काम हो जाएगा भाई, 30 यूनिट काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा हमारा, 30 यूनिट काम हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क क्या है, 90 यूनिट है, क्योंकि ए प्लस बी 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट कर रहे हैं और काम को 30 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 90 यूनिट। और ए प्लस बी अगर 10 दिनों में कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। तो देखिए बच्चा अब कितना काम बचा है, अगर 90 यूनिट काम था इसमें से 30 यूनिट काम हो गया तो कितना काम बचा है आपका, 60 यूनिट। आपके पास 60 यूनिट काम बचा है। और क्वेश्चन में कहा जाता है कि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है। ये तो कहा जाता है क्वेश्चन में, बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो ये तो आपका टाइम हो गया। अगर आप इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो अभी हम आपको बताए थे कि टाइम और इफिशियंसी जो होता है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि टाइम और मतलब इफिशियंसी के अंदर किस प्रकार से रिलेशन होता है, तो हम आपको टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि टाइम एंड इफिशियंसी का जो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो रेशियो होता है कि एक दूसरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस प्रकार से होते हैं, वहाँ पर हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये दो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि 60 यूनिट काम को वो 10 दिनों में कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर आप तीनों मिल जाएं तो इस बचे हुए काम को ये 10 दिनों में कर देते हैं, यानी कि 60 यूनिट काम को वो 10 दिनों में कर देंगे, तो इसका अर्थ है वो कितना करेंगे, 6 यूनिट पर डे करेंगे। भाई अगर 60 यूनिट काम को 10 दिनों में कर देंगे तो इसका अर्थ है 6 यूनिट काम को पर डे करेंगे। अगर 6 यूनिट काम पर डे करेंगे तो ए प्लस बी का तो आप कितना माने हैं, ए प्लस बी का 3 माने हैं। अगर ए प्लस बी का 3 हो गया तो सी का कितना हो गया, सी का 3 हो गया, क्योंकि भाई तीनों मिलकर के 6 यूनिट कर रहे हैं और ए प्लस बी का 3 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी सी का 3 है, अब हम भी 3 माने थे और हमारा आया भी 3, तो तीनों का बराबर है, तो यहाँ से बी का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए बी का एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। और टोटल वर्क आपका 90 यूनिट है, अगर टोटल वर्क 90 यूनिट है आप उसे 1 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 डेज। कितना आ जाएगा आपका, 90 डेज आ जाएगा। यानी कि यहाँ से भी आपको आंसर मिलेगा कि ए जो है वो अकेला उस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर देगा, 90 दिनों में ख़त्म कर देगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी कार्य को पूरा करने में एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन लगते हैं। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि किसी काम को, यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, किसी काम को करने में 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन, यानी कि एक ही काम है, उस काम को एक्स जो है वो 8 दिनों में, वाई 12 दिनों में और जेड 16 दिनों में कर देता है। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है, इसके बाद बाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस कार्य को जेड जो है वो पूरा करेगा, तो पूरा कार्य करने होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन ऑफिसर 2000 में पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा हमारा कि भाई मैं टोटल वर्क निकाल लूँ, क्योंकि मैं एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकालता हूँ, टोटल वर्क निकालने के बाद मैं उसकी एफिशिएंसी निकालता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इसका टोटल वर्क निकालूंगा तो देखिए अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 16 तीन 48, यानी कि एक्स का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बाई का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा और जेड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पहले एक्स जो है वो 2 दिन कार्य करता है, यानी कि क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि भाई पहले जो है, मतलब ये तीनों साथ साथ काम नहीं करते हैं, पहले एक्स कार्य करता है, एक्स जो है वो केवल 2 दिन काम करता है, ठीक है, उसके बाद बाई काम करता है और उसके बाद जो है वो जेड काम करता है। मतलब एक्स ने तो 2 दिन काम किया, उसके बाद बाई करेगा, जेड करेगा, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि भाई जो जेड है, मतलब बाई जो है वो तब तक काम करेगा जब तक कि आपके टोटल काम का 25% शेष ना रह जाए, यानी कि जो काम आपके पास दे रखा है उसका 25% अगर शेष रह जाता है तब तक आपका बाई काम करेगा, और जो 25% काम होगा उसको कौन करेगा, आपका जेड करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स की बात करता हूँ तो एक्स अगर 2 दिन काम करता है और एक्स की इफिशियंसी कितनी है, 6 यूनिट पर डे की, तो एक्स जो है वो टोटल कितना काम कर देगा, 12 यूनिट काम कर देगा, क्योंकि भाई एक्स जो है वो 2 दिन काम करेगा और एक दिन उसकी 6 यूनिट की इफिशियंसी है, तो कितना काम कर देगा, 12 यूनिट काम कर देगा। फिर मैं बात करता हूँ बाई की, तो अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि बाई तब तक काम कर रहा है जब तक कि 25% काम शेष ना रह जाए। तो देखिए आपके पास सबसे पहले काम कितना है, आपके पास टोटल काम कितना दे रखा है, टोटल काम है आपके पास 48 यूनिट, 48 यूनिट का 25% जो है जब तक का शेष नहीं रह जाएगा तब तक जो है वो बाई काम करेगा। तो देखिए 25 चौका 100 और 4 से काट देंगे तो 12, क्योंकि 48 का 25% आप निकाले हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 12 यूनिट काम पहले 2 दिन एक्स ने कर दिया, यानी कि पहले 2 दिन एक्स ने काम किया तो उसने 12 यूनिट काम को ख़त्म कर दिया, उसके बाद नंबर आया बाई का और बाई क्या करेगा, बाई 25% काम को छोड़ देगा, यानी कि बाई भी 12 यूनिट काम को छोड़ देगा। अगर बाई 12 यूनिट छोड़ देगा और 12 यूनिट काम एक्स ने कर दिया, यानी कि 24 यूनिट काम को छोड़ा जाएगा,
अगर 48 में से आप 24 यूनिट काम छोड़ देंगे तो कितना काम बचेगा आपके पास, 24 यूनिट काम बचेगा। तो ये 24 यूनिट काम किसे करना है, बाई को करना है। तो देखिए इस 24 यूनिट को बाई कितने दिनों में कर पाएगा, देखिए 24 यूनिट उसके पास काम है, कितना काम है, 24 यूनिट काम है उसके पास, और उसकी इफिशियंसी कितने की है, उसकी इफिशियंसी है 4 की, और अगर 4 की इफिशियंसी है तो उसको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 यूनिट इसने कर दिया और बाई ने 24 यूनिट कर दिया, अब काम कितना बचा, 25%, यानी कि 12 यूनिट काम बचा। अब इस 12 यूनिट काम को, 12 यूनिट काम को कौन करेगा, जेड करेगा, और जेड की इफिशियंसी क्या है, 3 की है, तो क्या कर देगा, 3 × 12 यानी कि 4 दिन इसको लगेगा। भाई कितना लगेगा, 4 दिन, क्योंकि 12 यूनिट काम करना है, 3 की इफिशियंसी है, और इसको 12 यूनिट काम कितना करने में लगा, 2 दिन लगा। तो देखिए क्या हुआ, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल वर्क होने में कितना टाइम लगा, तो देखिए भाई 2 दिन एक्स ने किया, उसके बाद 6 दिन बाई ने किया, उसके बाद 4 दिन जेड ने किया। तो अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 और 4 12, यानी कि टोटल कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 12 दिन। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीनों जो है वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी कि पहले 2 दिन एक्स कर रहा है और फिर बाई तब तक काम कर रहा है कि जब तक काम का 25% ना शेष रह जाए। तो 25% क्या है, 12 है, तो 12 शेष रह जाएगा, और उसके बाद जितना भी काम बचेगा, यानी कि 24 यूनिट काम बचेगा, इस 24 यूनिट काम को बाई कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। तो यहाँ पर टोटल डेज कितने आ जाएंगे आपके, 12, यानी कि इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन का टाइम लगेगा। देखिए अगला प्रश्न देखता हूँ कि एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी भी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि एक पुरुष है, एक मैन जो है, और एक वूमैन है, एक मैन तथा एक वूमैन और एक बच्चा, यानी कि एक बॉयज, यानी कि चिल्ड्रन मान लीजिए, एक मैन, एक वूमैन और एक चिल्ड्रन जो है किसी भी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि मैन जो है वो इस काम को 3 दिन में ख़त्म कर देगा, और वूमेन जो है वो इस काम को 4 दिन में ख़त्म करेगी, और बच्चा इस काम को 12 दिन में ख़त्म करेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने बच्चों को लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये निकालिए कि टोटल वर्क है कितना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाता है कि काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए। अब अगर काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करेंगे तो सबसे पहले आप निकालिए कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मैन का अगर इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 × 12, वुमेन का इफिशियंसी निकालेंगे 3 × 12, और चिल्ड्रन का इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 × 12, यानी कि मैन जो है किसी काम को 4 यूनिट करेगा एक दिन में, और वुमेन जो है उसी काम को 3 यूनिट करेगा, और चिल्ड्रन जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो आपका 12 यूनिट का काम है, इस 12 यूनिट के काम को आपको 1/4 दिन में ख़त्म करना है। यानी कि जो एक दिन होता है उसके चौथाई पार्ट में आपको क्या करना है, 12 यूनिट काम को ख़त्म करना है। देखिए अगर आपको 12 यूनिट काम, अगर मान लीजिए 12 दिनों में ख़त्म करना होता, तब आप क्या करते, एक यूनिट काम जो है वो पर डे करते। अगर 12 यूनिट काम को 12 दिनों में ख़त्म करना होता तब आप एक यूनिट काम पर डे करते। वहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति आपके 2 होते, 3 होते, 4 होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति होते तो तीनों की इफिशियंसी का जोड़ 1 होता, ठीक है, तब आप 12 दिनों में इस काम को ख़त्म कर पाते। लेकिन क्वेश्चन आपसे कहता है कि 12 यूनिट काम को 12 दिनों में नहीं, ना कि एक दिन में, बल्कि इस काम को आपको ख़त्म करना है 1/4 दिन में। अब देखिए अगर 12 दिन में ख़त्म करना होता तब आप, सॉरी, तो आप एक यूनिट काम पर डे करते। लेकिन अगर एक दिन में ख़त्म करना होता, इसी 12 यूनिट काम को अगर एक दिन में ख़त्म करना होता, तब आप क्या करते, 12 यूनिट काम पर डे करते। कितना करते, 12 यूनिट काम पर डे करते। लेकिन मुझे एक दिन में भी ख़त्म नहीं करना है, बल्कि 1/4 दिन में ख़त्म करना है। अगर मुझे 1/4 दिन में ख़त्म करना है तो 12 यूनिट काम है और 1/4 दिन में ख़त्म करना है, यानी इसका अर्थ है 48 यूनिट काम होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, 48 यूनिट, वहाँ पर इफिशियंसी का जोड़ 48 यूनिट होना चाहिए। अगर एक दिन में 12 यूनिट होता तब इसको एक दिन में ख़त्म कर पाते, लेकिन हमको उसके चौथाई हिस्से में ख़त्म करना, तो हमको जो व्यक्ति होने चाहिए उनकी इफिशियंसी 48 यूनिट पर डे की होनी चाहिए। व्यक्ति आपके चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन सभी का जोड़ क्या होना चाहिए, 48 यूनिट पर डे इफिशियंसी का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 व्यक्ति जो होंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक पुरुष एक महिला के साथ कितने बच्चे अनिवार्य रूप से लगाएं कि काम 1/4 दिन में खत्म हो जाए। तो देखिए पहला कहा गया है एक पुरुष,
अब एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। एक महिला की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो रही है? 7 हो रही है। लेकिन हमको इफिशियंसी क्या चाहिए? 48 चाहिए। तो अभी इफिशियंसी कितनी कम है आपकी? 41 कम है। और एक बच्चे की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। आपको इफिशियंसी 41 यूनिट चाहिए है अभी, और एक बच्चे की कितनी है आपकी? 1 है। तब आप इससे 1 से भाग करेंगे, जब 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 41। यानी कि 41 बच्चे आपको और लगाने पड़ेंगे एक मैन और एक वुमेन के साथ में। अगर आप एक मैन और एक वुमेन के साथ में 41 बच्चे और जोड़ेंगे तब जाके इसकी इफिशियंसी 48 होगी, यानी कि आपका 12 यूनिट काम तब जा करके 1/4 दिन में ख़त्म होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 41। यानी कि 41 बच्चे आपको एक मैन और एक वुमेन के साथ और लगाने पड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि ए एक व्यक्ति है जो किसी भी काम का 4/5 भाग जो है वो कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। तो जब ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि ये जो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। अगर 4/5 भाग तो 20 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेब है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक सेब है और उस सेब के हमने 4 टुकड़े कर दिए। उस सेब के हमने कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर दीजिए। अगर आपने उस सेब के 4 टुकड़े कर दिए तो आपके एक सेब का जो भाग, मतलब एक सेब क्या कहेंगे हम, एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? एक टुकड़े को बोलेंगे 1/4 भाग। क्या बोलेंगे? 1/4 भाग। अगर मैं कहता हूँ कि इस पूरे सेब का जो वेट है वो कितना है? 80 ग्राम है। अगर मैंने बोल दिया कि इस पूरे सेब का वेट जो है वो 80 ग्राम है तो क्या होगा कि अगर 1/4 का मान मान लीजिए 20 ग्राम है, यानी कि 1/4 का मान अगर 20 ग्राम है तभी अगर आपको पूरे सेब का वेट निकालना है। हम आपको बता दिए हैं कि हमारा जो सेब है पूरा कितना है? 80 ग्राम है। अगर हमको 1/4 का मान मान लीजिए हमको नहीं दिया है, हमको इतना दिया है, हमको नहीं पता है अभी कि हमारे पूरे सेब का मान कितना है, यानी कि पूरे सेब का वेट कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि 1/4 का भाग का मान जो है वो 20 ग्राम है। तो अब क्या करना होगा? अगर पूरे का मान निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? 4 का मल्टीप्लाई 20 कर दूंगा। यानी कि अगर एक टुकड़े का मान भाई 20 ग्राम है और आपके पास 4 टुकड़े हैं उस सेब के बराबर बराबर, तो पूरे सेब का भार जो कितना हो जाएगा आपका? 80 ग्राम हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया उधर। अगर मान लीजिए 20 है, 20 को आपने 4/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये जो लिखा हुआ था इसका उल्टा से हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो अगर मुझे यहाँ पर पूरा काम निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि इसके द्वारा जो पूरा अगर काम किया जाएगा तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 5/4, तो 4×20 यानी कितना काम हो जाएगा आपका? 25 दिन का। यानी कि ए जो है वो किसी भी काम के 4/5 भाग को तो 20 दिनों में ख़त्म करेगा, लेकिन इस पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 25 दिनों में ख़त्म करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर के शेष काम को 3 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? तो सबसे पहले ही समझ लीजिए कि ए किसी काम को 25 दिन में ख़त्म कर पा रहा है, और मान लो कि ए जो है वो एक दिन में एक यूनिट काम करता है। अगर ए जो है वो उसकी इफिशियंसी क्या है? एक यूनिट पर डे की है, तो मान लीजिए टोटल अगर उसकी इफिशियंसी जो है वो एक यूनिट पर डे की है तो क्या होगा? टोटल काम कितना हो जाएगा आपका? 25 यूनिट काम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो एक यूनिट पर डे करेगा और 25 दिन में कितना काम कर पाएगा? 25 यूनिट कर पाएगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 25 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या कहा जाता है कि बे मिलकर के 4/5 भाग को तो उसने 20 दिनों में कर दिया। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे तो आपने निकाला था कि 25 दिन के अंदर वो पूरा काम खत्म कर पाएगा, लेकिन उसने 4/5 भाग को जब 20 दिन में खत्म कर दिया उसके बाद उसने बुलाया है बी को। मतलब उसने अगर 20 यूनिट काम को, भाई अगर मान लीजिए 20 दिन में ख़त्म कर दिया, मतलब 4/5 भाग को उसने 20 दिन में कर लिया, यानी कि अगर उसने एक यूनिट पर डे के हिसाब से किया होगा तो उसने कितना काम कर लिया होगा? 20 यूनिट काम कर लिया होगा। कितना काम कर लिया होगा? 20 यूनिट काम कर लिया होगा। यानी कि अगर टोटल काम 25 यूनिट था तो 25 यूनिट में से उसने 20 यूनिट काम जब कर लिया उसके बाद उसने किसको बुलाया? बी को बुलाया। जब उसने बी को बुलाया तब उसके पास कितना काम शेष रह गया था? भाई टोटल काम तो 25 यूनिट है और उसने 20 यूनिट काम उसमें से कर लिया है, तो जब उसने बी को बुलाया तो उसके पास कितना काम शेष रह गया?
उसके पास काम शेष रह गया था केवल 5 यूनिट का। कितना काम शेष रह गया? 5 यूनिट का काम शेष रह गया। क्वेश्चन कहता है कि 5 यूनिट काम को दोनों मिलकर के 3 दिनों में समाप्त भी कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 यूनिट काम को ये 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अगर ये 5 यूनिट काम 3 दिनों में समाप्त कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5/3 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5/3 काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 6 यूनिट काम आपके पास है और 6 यूनिट काम आपके पास है, अगर 3 दिन में इसे खत्म करना है तो पर डे आपको कितना करना होगा? 2 यूनिट करना होगा। क्योंकि पर डे अगर आप 2 यूनिट नहीं करेंगे तो आप 3 दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे। और हमने कैसे किया? 3 × 2 = 6, यानी कि अगर 3 दिन में 6 यूनिट काम खत्म करना है तो 3 से भाग कर देंगे। उसी प्रकार से 5 यूनिट काम को अगर 3 दिन में करना है तो क्या करेंगे आप? 5/3 कर देंगे। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5/3 काम हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी अब होगी वो कितनी होगी? 5/3 की होगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5/3 की होगी। और ए की एफिशिएंसी आप कितनी माने हैं? 1 माने हैं। जब ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5/3 - 1, यानी कि 3 × 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3, यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपकी? 2/3 आ जाएगी। अब देखिए, टोटल वर्क आपके पास कितना है? अब आपको क्या निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। अब देखिए, टोटल वर्क तो आपके पास कितना है? 25 यूनिट है, और बी जो है वो 1 दिनों में 2/3 यूनिट काम करता है, तो उसको कितना समय लगेगा? आप टोटल वर्क को उसकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, जब आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 25 × 3/2 यानी कि 75/2, यानी कि कह सकते हैं कि 37 / 1/2 डेज लगेंगे उसको। कितना टाइम लगेगा? 37 / 1/2 दिन लगेंगे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अगर बी जो है वो अकेला इस काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा आपका? 37 / 1/2 दिन लगेगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर के किसी भी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो पुरुष अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? देखिए, क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक लड़का यानी कि एक बॉयज और प्लस एक मैन, एक लड़का और एक पुरुष जो हैं, सॉरी, एक पुरुष और एक लड़का, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पुरुष तथा एक लड़का जो है वो किसी भी काम को मिलकर के 24 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ये मान लीजिए यहाँ पर कि दोनों मिलकर के एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, अगर आपने मान लिया कि यहाँ पर अगर वो 1 यूनिट पर डे करते हैं, तब आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क हो जाएगा 24 यूनिट। कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। यानी कि देखिए बच्चा, अगर एक मैन और एक बॉयज किसी भी काम को 24 दिनों में करते हैं, और आपने मान लिया कि अगर वो एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, हमने भाई मान लिया, मुझे नहीं पता है कितना काम कर रहे हैं, लेकिन हमने मान लिया कि दोनों मिलकर के 1 यूनिट काम ही कर पा रहे हैं, तब वो क्या करेंगे? 24 दिन के अंदर कितना काम कर पाएंगे? 24 यूनिट काम कर पाएंगे। यानी कि टोटल वर्क क्या हो गया? 24 यूनिट हो गया। चलिए आगे चलता हूँ। आगे कहा जाता है कि यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का कार्य करे तो 28 दिन काम में लगते हैं। देखिए, अगर काम में 28 दिन लगते हैं तो देखिए 28 दिन में क्या होता है, 22 दिन तो वो मिलकर के कार्य करेंगे और 6 दिन जो है वो लड़का अकेला काम करेगा। यानी कि क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर लड़का जो है वो 6 दिन अकेले काम करे लास्ट में, तो जो है वो आपके 28 दिन लगते हैं। यानी कि 28 दिन के अंदर 22 दिन दोनों मिलकर के काम करेंगे और लास्ट के 6 दिन कौन काम करेगा? लड़का काम करेगा। अब देखिए, अगर दोनों 22 दिन मिलकर के काम कर रहे हैं, तो 22 दिन अगर मिलकर के काम कर रहे हैं और पर डे 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो जाएगा आपका? 22 यूनिट काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा आपका? 22 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि 22 दिन मिलकर के कर रहे हैं, पर डे अगर 1 यूनिट कर रहे हैं, तो कितना काम हो जाएगा? 22 यूनिट काम हो जाएगा। आपके पास टोटल 24 यूनिट काम है और उसमें से 22 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर के 22 दिनों में ख़त्म कर दिया, तब आपके पास कितना काम शेष रह गया? 2 यूनिट काम शेष रह गया। कितना काम शेष रह गया आपके पास? 2 यूनिट काम शेष रह गया। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई, जब 22 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद पुरुष उस काम को छोड़ करके चला जाता है और लड़का अकेले काम करता है, और लड़का इस काम को कितने दिनों में खत्म कर पाता है? 6 दिनों में खत्म कर पाता है। यानी कि 2 यूनिट काम को लड़का 6 दिनों में खत्म कर पाता है। इसका मतलब है कि लड़का जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1/3 कार्य कर रहा है। जैसे 2 यूनिट काम को अगर कोई लड़का
दो दिन में खत्म कर रहा है, दो यूनिट काम को अगर कोई लड़का दो दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब है वो लड़का एक दिन में क्या काम कर रहा है, एक यूनिट का काम कर रहा है, तभी तो भाई दो दिन में खत्म कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर दो यूनिट काम को कोई लड़का छह दिनों में कर पा रहा है, इसका मतलब है कि 2/6 यानी कि वो कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/3 यूनिट काम कर रहा है। अगर कोई भी लड़का 1/3 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि लड़के की इफिशियंसी क्या हो गई, 1/3 हो गई। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुरुष अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर लड़के की इफिशियंसी 1/3 है और दोनों की इफिशियंसी 1 है, तो 1 - 1/3 अगर आप कर देंगे तो पुरुष की इफिशियंसी आपको मिल जाएगी कितनी, 2/3। यानी कि लड़के की इफिशियंसी जो थी वो 1/3 थी और दोनों की 1 थी, 1 में से आप 1 - 3 कर देंगे तो 2/3 क्या आ जाएगी, पुरुष की इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि जो टोटल वर्क है उसको पुरुष कितने दिनों में कर देगा। यानी कि टोटल वर्क कितना, 24 यूनिट है और इसको पुरुष कितने दिनों में कर देगा, तो आप 2/3 कर देंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 24 × 3/2, आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 36 दिन। कितना आएगा आपका, 36 दिन। यानी कि अगर पुरुष अकेले उस काम को करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा, क्योंकि पुरुष की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 2/3 की है। और अगर आपसे बॉयज के बारे में पूछा जाता तब आप क्या करते, 24 यूनिट काम था और आप इसको भाग कर देते 1/3 से, यानी कि आपको कितना मिल जाता, 72 दिन। यानी कि अगर पुरुष जो है वो किसी भी काम को आपका जो है वो 36 दिन में कर पाएगा, तो बॉयज जो है वो उसी काम को आपका कितने दिनों में कर पाएगा, 72 दिनों में कर पाएगा। बट आपसे क्वेश्चन में पुरुष के बारे में पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 36 दिन। तो साथियों, ये थे आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में जैसे SSC के अंदर या फिर सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस हमने आपको अभी सॉल्व कराए थे। साथियों, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ आए हों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आए हों, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी क्लास अगर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।